हार न मानने वाले को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। एक बहुत बड़ी सूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने दो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स को अफ्रीका के रिमोट कंट्रीज भेजा कि वहां जाकर डाटा जुटाए कि वहां पर कंपनी की प्रोडक्ट की कितनी डिमांड हो सकती है। वो एक सप्ताह तक भिन्न भिन्न शहरों में रहें, वहाँ के लोगों से मिलें और अपनी कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केटिंग की। एक सप्ताह बाद दोनों ने अपने मार्केटिंग की रिपोर्ट ईमेल के थ्रू अपने बॉस को मेल किया। एक के ईमेल में यह था कि सर, यहाँ कोई सूज नहीं पहनता, इसलिए हम अपनी कंपनी की कोई यूनिट यहाँ नहीं लगा सकते। और दूसरे के ईमेल में यह था कि यहाँ कोई सूज नहीं पहनता, इसलिए हमारी कंपनी के प्रोडक्ट हम बहुत बिकेंगे। बॉस ने जैसे ही पहले वाले की रिपोर्ट पढ़ी, यहाँ कोई यूनिट इस्टेब्लिश करना ठीक नहीं है, बॉस ने रिप्लाई किया कि आपको कंपनी से निकाला जाता है। और दूसरे की रिपोर्ट बढ़कर बॉस ने रिप्लाई किया कि आज से आपको कंपनी का मार्केटिंग हेड बनाया जाता है तथा आपकी सैलरी 1.5 गुनी बढ़ाई जाती है। पहले वाले की निगेटिव मेंटेलिटी की वजह से उसे जॉब से निकाल दिया गया, क्योंकि उसे ये लगा कि यहाँ सूझ की समझ किसी को नहीं है। जबकि दूसरे व्यक्ति के पॉजिटिव एटीट्यूड होने की वजह से वह उसे एक मौके की तरह देखा कि यहाँ तो बहुत सारे सूच बेचे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, किसी काम को करने के लिए पॉजिटिव वर्क एथिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। हर काम में पॉजिटिविटी तलाशनी चाहिए। सिचुएशन एक ही है, बट एक को अपने निगेटिव एटीट्यूड की वजह से अपनी जॉब गंवानी पड़ी या दूसरे को मार्केटिंग हेड बना दिया गया। दो लोगों की एक ही सिचुएशन पर अलग अलग सोच है। अभी तो जूते बिके भी नहीं हैं, ओनली थॉट्स के आधार पर रिजल्ट भी मिल गया। एक को जॉब से निकाला गया तथा दूसरे को प्रमोशन मिली। इसलिए कहा जाता है कि हमारी जर्नी पॉजिटिव थिंकिंग से स्टार्ट होनी चाहिए, इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। किसी भी काम के प्रति हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। गाइज, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। किसी काम को इमरजेंसी की तरह ट्रीट करने वाले वीडियो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं ऐसे ही आपके लिए काम की बातें लाता रहूँगा।